जहां पर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है, लेकिन अब जनता की सेवा करने के जज्बे ने एक पुलिस जवान को नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। ये जवान धुलकोट निवासी शिवलाल सोलंकी। शिवलाल ने कांग्रेस से टिकट मांगा है चुनाव लड़ने के लिए। उन्हें नौकरी से सेवानिवृत्त उन्होंने ले लिया है और उनके इस कदम से राजनीतिक महकमे में चर्चाएं गर्म हो चुकी है। सोलंकी ने कांग्रेस के आला अधिकारियों से मिलकर अपना बायोडेटा और टिकट भी मांगा है। बता दें कि यह एक ऐसा दावेदार है जिसकी आदिवासी बाहुल्य इलाके में खासी पैठ मानी जाती है। वहीं अन्य वर्ग के लोग भी इन्हें अपना सहयोगी मानते हैं। पुलिस विभाग में रहते हुए शिवपाल सोलंकी सामाजिक क्षेत्र में भी सेवा देते हैं। सोलंकी का कहना है कि अब जनता के बीच सेवा करना मेरा उद्देश्य है, इसीलिए पुलिस की नौकरी छोड़कर अब मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और जनता के बीच आना चाहता हूं। यदि कांग्रेस पार्टी द्वारा मुझे नेपानगर विधानसभा का उम्मीदवार बनाया जाता है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक मामलों पर सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयत्न करूंगा और लोगों की आवाज़ उठाऊंगा। यही मेरा उद्देश्य है, इसीलिए मैंने VRS पुलिस विभाग से लिया है और उनकी सेवा करते रहूंगा और उनकी मदद करते रहूंगा। क्या नाम है आपका? शिवलाल सिंह सोलंकी। कहाँ से चुनाव लड़ने का? नेपानगर विधानसभा क्षेत्र 179।